Dear students, I am Mohd Maroof Siddiqui, science teacher. जैसा कि last class में हमने आप लोगों को chapter first के बारे में एक topic discuss किया था, आज उसी chapter first से related हम लोग दूसरा topic discuss करेंगे. देखिए, agriculture को हिंदी में कहेंगे कृषि. इसकी definition है, the practice of growing crops is called agriculture. Means आप जो भी फसल को उगाने से संबंधित जो भी अभ्यास करते हैं उसी को हम कहते हैं कृषि. एग्रीकल्चर हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है. फर्स्ट वर्ड आपका है लैटिन एगर, जिसका मीन्स होता है फील्ड, यानी कि खेत. वाइल्ड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, कल्टिवेशन मीन्स पैदावार. तो फर्स्ट वर्ड आपका एगर है और दूसरा वर्ड आपका कल्चर है. इसी एगर और कल्चर से मिल करके आपका एग्रीकल्चर वर्ड बना है. इन इंडिया, भारत में क्रॉप्स, फसलें आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑफ सोइंग. देखिए, हमारे यहाँ भारत में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो सीज़न के आधार पर बोई जाती हैं. जैसा सीज़न होता है, जैसा मौसम होता है, उसी के आधार पर फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं. तो देखिए, हमारे यहाँ दो मुख्य फसलें हैं. पहली आपकी है खरीफ क्रॉप्स, सेकंड आपकी है रबी क्रॉप्स. फर्स्ट यहाँ पर देखिए, खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग द मानसून सीज़न. मीन्स ऐसी फसलें जो मानसून सीज़न के दौरान बोई जाती है एंड जनरली हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर, और जो अक्टूबर माह के आसपास काट ली जाती है, ऐसी फसलों को हम खरीफ फसल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए राइस, जूट, मेज़ एंड कॉटन. नेक्स्ट आपकी है रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर. वे फसलें जो अक्टूबर में बोई जाती हैं एंड जनरली हार्वेस्टेड इन मार्च, और मार्च के महीने में वो फसल काट ली जाती है, तो ऐसी फसलों को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम. नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों से हम कल डिस्कस करेंगे, और आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि एग्रीकल्चर की डिफिनीशन लर्न करिए और साथ में खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स को भी पढ़िए.